हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एच पी स्टडी सेंटर में। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी करंट अफेयर क्विज के बारे में, जो भी होगा 3 अप्रैल 2018 का। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए कि वीडियो को, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है ऐसी वीडियो और अच्छी बनाने का और रोज़ आप तक लेके आने का, ठीक है, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बेनिफिट मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 1372 रोबोट ने मिलकर सर्वाधिक रोबोट के एक साथ डांस करने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। ऑप्शन इज़ इटली, ऑप्शन बी इज़ भारत, ऑप्शन सी इज़ चीन, ऑप्शन डी इज़ नेपाल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इटली में हाल ही में 1372 रोबोट ने मिलकर सर्वाधिक रोबोट के एक साथ डांस करने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इटली के स्टैटिक पॉइंट की, रोम यहाँ की राजधानी है, रोम में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। करेंसी इज़ यूरो, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वह है 56। उसके बाद है चाइना, उसके बाद है इंडिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की पूर्व पत्नी विनी मंडेला का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की पूर्व पत्नी विनी मंडेला का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। रंग भेद की नीतियों के खिलाफ आंदोलन में नेल्सन के साथ सक्रिय भूमिका निभाने वाली विनी पिछले काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी, ठीक है। अगर स्टैटिक पॉइंट की बात करें, केप टाउन यहाँ की राजधानी है, करेंसी है रैंड, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गाइस। और अभी हाल ही में जो एक न्यूज़ बनी हुई है, वो बनी हुई है कि केप टाउन में जो पानी की बहुत ही समस्या उत्पन्न हो गई है वहाँ पे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने इराक में मारे गए 27 लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है पंजाब सरकार, ऑप्शन बी बिहार सरकार, ऑप्शन सी झारखंड सरकार, ऑप्शन डी कर्नाटका सरकार। इसका जो राइट आंसर होगा जो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पंजाब सरकार। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पंजाब सरकार ने इराक में मारे गए 27 लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। पंजाब की अगर मैं बात करूं, चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है, अमरिंदर सिंह यहाँ के CM हैं और BP भदनौर यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सांसद ने फेक न्यूज़ को लेकर कानून पास कर दिया है जिसके तहत अपराधियों को अधिकतम 6 वर्ष की सज़ा और 80 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी मलेशिया। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। मलेशिया की सांसद ने फेक न्यूज़ को लेकर कानून पास कर दिया है, इसके तहत अपराधियों की अधिकतम 6 वर्ष की सज़ा और 80 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। मलेशिया की अगर बात करूं मैं, कैपिटल की, वो है कुआलालंपुर, करेंसी है रिंगगिट, ठीक है। और यहाँ के जो PM है वो हैं नजीब रजाक, ठीक है, तो पता होना चाहिए। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना खेल पत्रकार संघ के सालाना पुरस्कार समारोह में वर्ष 2017 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है। ऑप्शन ए PV संधु, ऑप्शन बी पी गोपीचंद, ऑप्शन सी मिथाली राज, ऑप्शन डी इज मुरली विजय। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिथाली राज। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट महिला की कप्तान मिथाली राज को तेलंगाना खेल पत्रकार संघ के सालाना पुरस्कार समारोह में वर्ष 2017 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है, ठीक है, तो पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय शहर में यूरो 6 श्रेणी के पेट्रोल और डीजल को पहली बार प्रस्तुत किया गया। ओके, ठीक है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा दिल्ली में देखते हैं।
दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक पहुंचने की चुनौती से निपटने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अप्रैल से दिल्ली में यूरो 6 मानक के डीजल एवं पेट्रोल की आपूर्ति शुरू कर दी है। ठीक है, दिल्ली की मैं बात करूँ, अरविंद केजरीवाल यहाँ के CM हैं, अनिल बैजल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, अनिल बैजल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? ऑप्शन ए इज़ बॉबी सिंह, ऑप्शन बी इज़ एन बीरेन सिंह, ऑप्शन सी आर के दुरेंद्र सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी, आर के दुरेंद्र सिंह। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री आर के दुरेंद्र सिंह का जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल में निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे। कि ये औपचारी न्यूज़ का औपचारी न्यूज़ है, काफ़ी बार एग्ज़ाम से में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसी न्यूज़ से रिलेटेड, तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जो अभी हाल ही में आर के दुरेंद्र सिंह जो थे वो किस स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो वो तो होगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में के जो गवर्नर हैं वो नाबनीता अब्दुल्ला, और यहाँ के जो अभी CM है वो एन बीरेन सिंह। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश में ने हाफिज सैयद के मिल्ली मुस्लिम लीग को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिका ने मिल्ली मुस्लिम लीग को एक विदेशी आतंकवादी संगठित घोषित कर दिया। MML हाफिज सईद के नेतृत्व वाले आतंकवादी संगठन जमात उद दावा का राजनीतिक मोर्चा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसकी तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, माइक फेंस वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाशिंगटन DC कैपिटल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पाकिस्तान में राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन इज विनय कुमार, ऑप्शन बी समीना बेग, ऑप्शन सी सरफराज खान, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी समीना बेग को राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत में नियुक्त किया गया। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान में राष्ट्रीय सभा के रूप में पर्वतारोही समीना बेग को नियुक्त किया गया है। ठीक है, वन लर्नर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला पहलवान नवजोत कौर ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन इज रजत पदक, ऑप्शन बी कांस्य पदक, ऑप्शन सी इज स्वर्ण पदक, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज स्वर्ण पदक उन्होंने जीत लिया है नवजोत कौर ने। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय महिला पहलवान नवजोत कौर ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। सामने क्वेश्चन ये बन सकता है कि नवजोत कौर जो है वो किस खेल से जो है वो संबंधित हैं, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेसलिंग से वो संबंधित हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज बस 10 क्वेश्चन ही थे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं, और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले आप खुद से ही प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। ठीक है, और आप आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए कर दिया करो, और अगर आप मेरे हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हर रोज़ आप तक लेके आता रहता हूँ, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में बेनिफिट मिल सके और आप अच्छा मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाओ एग्ज़ाम में और आपका सिलेक्शन हो। सो एट द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।